बंद पड़े मकान में लाखों की चोरी। काशीपुर में अज्ञात चोरों ने बंद पड़े मकान में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। घटना का पता जब चला तब मकान की देखभाल करने वाले अध्यापक सुबह मकान की सफाई करने पहुंचे। दरअसल न्यू चामुंडा विहार ब्राह्मण सभा के पास महेश चंद्र जोशी पुत्र स्वर्गीय देवी दत्त जोशी का मकान है। महेश चंद्र जोशी वर्ष 2002 में मुरादाबाद रोड स्थित सूर्य फैक्ट्री से रिटायर हुए थे। उसके बाद से उन्होंने अपना मकान देखभाल करने के लिए फैक्ट्री में अपने साथ कार्य कर रहे बसंत बल्लभ भट्ट ने अपने अध्यापक रिश्तेदार चंद्रशेखर मिश्रा को देखभाल के लिए मार्च 2013 में दिलवा दिया था। 2013 के बाद से महेश चंद्र जोशी अपनी बेटी के पास पुणे चले गए थे और वहां दिसंबर 2019 में आखिरी बार आए थे। चंद्रशेखर मिश्रा ने इस साल कोरोना के चलते पत्नी और बच्चों को कोटाबाग छोड़ाया था। उसके बाद से वह लगातार आता जाता था। उसके अनुसार वह बीते 26 अगस्त को आखिरी बार आया था। आज स्कूल में मीटिंग की वजह से वह सुबह जब मकान पर पहुंचा तो मकान के अंदर का नज़ारा देख वह हक्का बक्का रह गया। मकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था तथा अज्ञात चोर घर का सारा बचा हुआ सामान भी तोड़ डाला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन पुलिस को खास सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जी सर, मेरा नाम चंद्रशेखर मिश्रा है। मैं यहाँ शिवालिक होली माउंट एकेडमी में टीचर हूँ। सर, लॉकडाउन की वजह से अभी बीच में कुछ दिन मैं घर चला गया था। लास्ट एक महीने पहले मैं 26 अगस्त को सर मैं आया था यहाँ पर, तो मैं देखा सब कुछ ठीक था यहाँ पर। उसके बाद मैं घर चला गया। आज विद्यालय में एक मीटिंग थी तो जिसमें मैं सुबह पहुँचा तो सुबह यहाँ पर जैसे ही देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। कमरे ताले टूटे हुए थे और बहुत सारा सामान यहाँ से चोरी हो चुका है। सर, नुकसान तो अभी अभी तो आंका नहीं जा सकता। अभी तो सिलेंडर, चूल्हा, एक एक छोटी छोटी चीज़ भी, एसी, टीवी और फ्रीज तोड़ के गए हैं, वॉशिंग मशीन तोड़ के गए हैं और बाकी सामान सब बाहर फेंका हुआ है। और नुकसान नल की टोटी वगैरह कुछ भी नहीं है सर। बहुत नुकसान कर गए सर, तोड़ फोड़ बहुत कर गए हैं। दरवाजे टूटे हैं, कटर से कटा हुआ है सब कुछ, आप देख सकते हैं सर। इधर सर ये MC जोशी जी, महेशचंद जोशी जी हैं जो अभी पुणे में अपने लड़की के पास रहते हैं सर। तो 2013 से मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी लास्ट मैं सोच रहा हूँ कि एक आध हफ्ते या 20 दिन पहले से घटना घट रही है। मैं परिवार सहित रहता हूँ सर, मेरी वाइफ और एक छोटा सा बच्चा है। फैमिली समय सर कोटावक नैनीताल में। मैं आज मीटिंग के लिए आया था यहाँ पर विद्यालय में। जी सर, बच्चे 20 मार्च जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से नहीं आए यहाँ अभी तक। बीच में मैं आता रहा जैसे विद्यालय में, जैसे अपना 15 अगस्त वगैरह किसी विशेष कार्य से विद्यालय में आते रहते थे, यहाँ से देख रेख करा अपना चले गए सर। कभी शाम को पहुँचे तो रात रहे और सफाई वगैरह करके चले जाता था उनका। सर हनुमानतल लाखों का नुकसान तो हुआ ही है सर। अभी क्योंकि यहाँ पर जोशी जी नहीं है अंकल, मकान मालिक, अगर वो अभी उनका क्या गायब हुआ उनका सामान का, तो मुझे पता नहीं कि क्या था क्या नहीं था उनके। तो उनका सामान सब बिखरा हुआ है, क्या ले गए हैं ये तो जब वो आएंगे वहाँ से तो तभी पता लग पाएगा। ये चामुंडा विहार में श्री महेश चंद्र जोशी सन ऑफ देवीदत्त जोशी का मकान है। बेसिकली वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो अपनी पूना में कहीं अपनी बेटी के पास रहते हैं। लास्ट टाइम वो यहाँ दिसंबर में आए थे, उसके बाद यहाँ आए नहीं हैं। उनके घर में बंद घर में चोरी हुई है, अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर आने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शुद्ध व शाकाहारी भोजन, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध, पार्किंग स्पेशल व फैमिली के बैठने की अच्छी व्यवस्था। हमारा पता कोठीवाल इंजीनियर कॉलेज, कार्ट रोड, कॉन्टैक्ट नंबर 9899555123।